भागवत सुनने से घर में सुख शांति तो होती है, भगवत कृपा होती है, हमारे जीवन से पितृ दोष समाप्त हो जाता। जो लोग अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं वो लोग सुखी हैं, जो लोग नहीं करते वो बड़े दुखी हैं। इसलिए अपने पितरों की, क्या आप लोगों ने अपने पूर्वजों की सदगति के लिए क्या कोई प्रयास किया? क्या आपने अपने माता पिता जो नहीं है, क्या दादा दादी, क्या उनके लिए आपने गया जी श्राद्ध किया? क्या आपने उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराई? क्या उनकी मृत्यु की तिथि पर क्या आप पानी तर्पण करते हो? क्या आप जल दान करते हो? क्या आप उनके लिए किसी गाय को, किसी बेसहारे को, भूखे को, प्यासे को, ब्राह्मण को क्या भोजन कराते हो? यदि नहीं कराते मतलब आप बहुत गलत कर रहे हैं। जिस तिथि पर आपके प्रतिपिता की मृत्यु हुई, आपकी माँ की मृत्यु हुई, उस तिथि पर उनके नाम से भले एक ब्राह्मण, एक कन्या, एक गाय खाए, खिलाओ, उनका खाया उन तक पहुंचता है। उनके नाम से जो पुण्य होता है वो पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त हो। अब आप कहोगे हम यहाँ पंडित जी को रोटी खवाएं तो वहां हमारे मरे बाप तक पहुंचेगा? हाँ, कैसे ये बताओ। आपका कोई भाई अमेरिका में है और उसे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप 10,000 बैंक में डालेंगे तो रुपए डालेंगे, लेकिन अमेरिका में उसे प्राप्त क्या होगा? डॉलर। उसे जो चाहिए वो प्राप्त होगा वहां पर। आपने भेजे रुपया पर मिला क्या? उसी तरह जब आप किसी को अपने पूर्वजों के नाम से कुछ करते हैं, रोटी खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आप जो खिलाते हैं उन्हें वो मिलता है जिस चीज की उन्हें वहां पर जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। इसलिए भागवत जी जब आप सुनते हैं तो पूर्वजों की मुक्ति होती है, पितर तृप्त होते हैं, फिर पितरों का दोष समाप्त होकर पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए अभी 26 दिसंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, कल्याण उनका भी हो और घर में भागवत जी से सब कुछ प्राप्त होता है।